तो भाई कल के दिन एक बार वापस से किया अफगानिस्तान ने बहुत बड़ा पलटवार, हराया है यहां पर श्रीलंका को। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इस मैच के रिजल्ट को हम पलटवार कहेंगे या नहीं कहेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान इस वर्ल्ड कप में तो एकदम सेक्सी खेल रही भाई, एक नंबर। और देखो जैसे ही कल के दिन अफगानिस्तान ने यह मैच जीता तो वर्ल्ड कप की जो लीग स्टेज चल रही है उसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है, क्योंकि मात्र अब बचे हैं 15 मैचेस और अभी तक एक भी टीम 100% कंफर्म नहीं हुई है जो सेमीफाइनल में जाएगी और एक भी टीम 100% कंफर्म नहीं हुई है जो वर्ल्ड कप से बाहर होगी। हालांकि हमारे मन में पिक्चर बहुत हद तक क्लियर है, लेकिन ऑफिशियली ना ही एक भी टीम पहुंची है और ना ही एक भी टीम बाहर हुई है। क्या क्या बात कर रहे हैं? अगर हम यहाँ पे सारी ही टीमों का क्वालिफाइंग परसेंटेज देखें तो सबसे पहले आती है इंडिया, जिसका परसेंटेज है 99.9% कि ये सेमीफाइनल में जाएगी ही जाएगी, जिसको आप 100% भी मान सकते हैं। लेकिन ऑफिशियली अभी भी कुछ यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है जिसके चलते इंडिया बाहर हो सकती है, लेकिन वो लगभग इम्पॉसिबल है। दूसरे नंबर पे आती है साउथ अफ्रीका, जिसका परसेंटेज है 96%। तीसरे पे आती है न्यूजीलैंड, जिसका परसेंटेज है 77%। ऑस्ट्रेलिया 76%, श्रीलंका 10%, अफगानिस्तान 20%, पाकिस्तान 7%, नीदरलैंड 6%, बांग्लादेश 0.7% और 10th नंबर पे आती है डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड 0.4%। मतलब कुल मिला के भारी समझो इनको भी। कहां भाग रहे हो? वैसे बाहर होने से याद आया कि कल के दिन जैसे ही अफगानिस्तान ने श्रीलंका को हराया तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बस की एक फोटो हमारे सामने आती है जिसे देख के हर कोई चौंक जाता है और उसे देख के किसी की हंसी भी नहीं रुक रही है। और जब मैं वो फोटो तुमको दिखाऊंगा ना, तुम भी कहोगे भाई इतना भी मत हंसाया करो। वैसे ही जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म करा है ऑलरेडी हंसी नहीं रुक रही है, और ऐसी फोटो दिखा के तुम और हंसाने में लगे हो, भाई रुको तुमको हंसाने वाला हूं, मैं शर्त लगा रहा हूं। लेकिन उससे पहले भाई देखो हंसोगे रोगे वो तो बाद में देखा जाए, पर अगर अभी तक तुमने आकांक्षा का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है, कितने टाइम से कह रहा हूं भाई आधे से ज्यादा वर्ल्ड कप हो गया है, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो भाई बहुत कुछ तुमने मिस कर दिया है। इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन, मतलब कल के दिन भी आकांक्षा ने कह दिया था कि यह मैच तो जीतेगी तो सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान जीतेगी, लेकिन तुम मेरी बात मानते नहीं हो। इसीलिए कहता हूं भाई आज के दिन भी बहुत ही शानदार मैच है, जल्दी से जाके आकांक्षा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। बाकी व्हाट्सएप तो यूज करते ही होगे ना, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके सिंपली व्हाट्सएप कर दो, वहां पे एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन आएंगी। बस उन प्रेडिक्शन को उठाने का और उसके बाद चलते हुए मैच में पैसा ही पैसा बनाने का। तो जल्दी जाओ भैया, व्हाट्सएप नंबर जैसा मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी जाके व्हाट्सएप कर दो। बाकी व्हाट्सएप नंबर तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां सारी एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिलेंगी, वो भी फ्री में। बस जैसा मैंने कहा उन्हें उठाने का और चलते हुए मैच में पैसा ही पैसा बनाने का। तो अब जैसा मैं कह रहा था कि कल के दिन जैसे ही अफगानिस्तान ने श्रीलंका को हराया तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बस की एक फोटो हमारे सामने आती है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पाकिस्तान की जो टीम है बस में बैठ के कहां जा रही है? वैसे तो बस में लिखा हुआ है कि कराची जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी तो इनके मैचेस बचे हुए हैं ना, तो आखिर ये कराची क्यों जा रहे हैं? तो देखो भाई जिस तरीके का हाल पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप में चल रहा था, पाकिस्तान के बैठे लोगों ने एक बहुत बड़ा यहां पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाया था कि अगर ये हार गई तो ऐसे पहुंच सकते हैं, ये जीत गई तो ऐसे पहुंच सकते हैं। तो सबसे इजी यहां पे जो उनके लिए रास्ता था वो क्या था मैं बताता हूं। देखो अगर पाकिस्तान को कल के मैच से पहले, अभी नहीं कल का मैच होने से पहले, अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में क्वालिफाई होना था तो क्या क्या रिक्वायरमेंट थी? कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को हराए, न्यूजीलैंड को हराए, इंग्लैंड को हराए, और इंग्लैंड अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हराए, उसके बाद जो न्यूजीलैंड है वो श्रीलंका को हराए, इंडिया जो है वो नीदरलैंड को हराए, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका जो है वो अफगानिस्तान को हराए, और इंडिया और बांग्लादेश जो है वो श्रीलंका को हराए। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कल के दिन इसमें से एक पॉइंट है ना कि साउथ अफ्रीका और श्रीलंका दोनों अफगानिस्तान को हराए, ये पॉइंट खारिज हो जाता है। श्रीलंका अफगानिस्तान को नहीं बल्कि अफगानिस्तान श्रीलंका को हरा देती है। मतलब कि जो इतना बड़ा इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा था कि ये सब कुछ अगर हो जाएगा तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। अब पाकिस्तान में अलग रिसर्च चल रही है कि किस तरीके से यहां पे पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई हो सकती है। लेकिन बाबर आजम को जब पता चला कि भैया इतना खतरनाक यहां पे हमें खेल खेलना होगा और इतना खतरनाक हमें किस्मत का सहारा चाहिए होगा, तो उन्होंने कहा कि भैया बस निकालो चलो कराची। चल रहा है यार, चल रहा है।
वैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो जल्द ही कराची पहुंच जाएगी, लेकिन फिलहाल जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है वो मुंबई पहुंच चुकी है अपना अगला मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलने के लिए 6-0 को 7-0 करने के लिए। लेकिन भैया कल के दिन जैसे ही इंडियन टीम मुंबई एयरपोर्ट पहुंचती है तो ईशान किशन पता नहीं ये गिल के साथ क्या कर रहे हैं। भाई ये क्या कर रहे हैं, इन दोनों कोई गर्लफ्रेंड दिलाओ या जल्दी मतलब इन लोगों से कहो कि कोई प्यारी सी लड़की ढूंढे उसके साथ डेट वेट पे जाए, हरकतें ठीक नहीं लग रही इन लोगों की मुझे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वैसे जो लोग पिछले मैच के बाद से थोड़ा सा इस असमंजस में थे कि अगले मैच में भी सूर्या खेलेंगे या नहीं खेलेंगे और अगर हार्दिक पांडे आ जाएंगे तो क्या सूर्या को ड्रॉप कर दिया जाएगा और अब शामी को मौका दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा या सिराज को बाहर कर दिया जाएगा, तो भाई देखो मैं बताना चाहूंगा कि हार्दिक पांड्या को लेकर कल के दिन एक खबर आती है कि हार्दिक पांड्या आपको सेमीफाइनल तक खेलते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ थोड़े बहुत रिकवर हो चुके हैं लेकिन अब जब कहीं ना कहीं कंफर्म है कि इंडिया सेमीफाइनल में जाएगी तो बेकार में रोहित शर्मा कह रहे हैं रिस्क नहीं लेने का। क्या पता जिस तरीके सूर्या खेल रहे हैं अगर ऐसे ही आने वाले मैचेस में खेल दिए तो हार्दिक पांड्या फिट भी हो जाएंगे, शायद तब भी उनको ना खिलाया जाए, और अगर ऐसा होगा तो सच में बहुत शॉकिंग बात होगी क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा वर्ल्ड कप में जब हार्दिक पांड्या को चाह के रोहित शर्मा बाहर बैठाना चाहेंगे। लेकिन भैया रोहित शर्मा हमें तुम पे भरोसा है, जो करना है करो, जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो, पूरा सपोर्ट है, बाकी हार्दिक भाई फिट हो जाओ क्योंकि जरूरत तो कभी भी किसी की पड़ जाती है, कल किसने देखा है। वैसे कल क्या होगा वो तो मैंने भी नहीं देखा है लेकिन 5 नवंबर को क्या होने वाला है वो मैं जरूर देख पा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 5 तारीख को है किंग कोहली का बर्थडे, जिस दिन कोलकाता के मैदान ईडन गार्डन में मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका के साथ, यानी कि 2 सबसे तगड़ी टीमें जो हैं इस वर्ल्ड कप की वो आपस में भिड़ेंगी। लेकिन 5 तारीख को जैसा मैंने कहा कि जहां है विराट कोहली का बर्थडे तो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने उनके बर्थडे के लिए बहुत सारी करी है यहां पे अरेंजमेंट, जिसमें सबसे पहली अरेंजमेंट ये है कि वहां पे जितने भी लोग मैच देखने आएंगे सबको विराट कोहली का मास्क दिया जाएगा और विराट कोहली के उस मास्क को पहन के उन्हें वो मैच देखना होगा। दूसरी अरेंजमेंट ये है कि स्पेशल भैया मैच शुरू होने से पहले एक केक कटिंग सेरेमनी होगी जहां विराट भैया केक वगैरह काटेंगे और अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। तीसरा वहां पे एक बहुत ही शानदार लेजर शो भी रखा जाएगा जिसमें भैया विराट कोहली को ट्रिब्यूट दिया जाएगा। और चौथी अरेंजमेंट ये है कि तगड़ा फायरवर्क होने वाला है, पटाखे फूटने वाले हैं, आतिशबाजी होने वाली है और होनी भी चाहिए, किंग कोहली का बर्थडे है भाई, लेकिन असल आतिशबाजी तो तब होगी जब कोहली भाई की उस दिन सेंचुरी आएगी, तब भैया सोने पे सुहागा हो जाएगा और कोहली भाई का बर्थडे सुपर से सुपर डुपर हो जाएगा। लेकिन यहां पे मैं आपको थोड़ी सी दिल तोड़ने वाली बात ही बता देता हूं कि विराट कोहली के लिए जो सारी अरेंजमेंट्स करी जा रही हैं ये सोच के करी जा रही हैं कि बहुत हद तक ऐसा पॉसिबल है कि शायद विराट कोहली का ये आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भी ऐसी धारणाएं लगाई जा रही थी, हालांकि विराट कोहली अगले वर्ल्ड कप तक लगभग 38 की एज के करीब होंगे तो वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हां 39 लगभग पहुंचने वाले होंगे जब अगला वर्ल्ड कप हो रहा होगा, तो कई लोग कहते हैं आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है, लेकिन जिस तरीके की कोहली भाई की फिटनेस है बहुत लोग कहते हैं नहीं भी होगा। और बात देखो हर बार फिटनेस में नहीं आती है, कई बार क्रिकेटर खुद सोचता है थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए और बहुत खेल लिया है, थोड़ा आने वाली पीढ़ी को भी मौका देना चाहिए, हम तो चाहते हैं कि कोहली भाई खेलें, लेकिन भाई ऐसी खबरें आ रही हैं तो सुन के बहुत दुख होता है कि क्या पता किसी दिन अचानक से कोहली भाई भी एक वीडियो शेयर करेंगे और पीछे गाना बज रहा होगा वही गाना जो कल के दिन एक इवेंट में धोनी भाई भी गा रहे थे, नहीं सुने क्या, सुनो। वैसे सच बताऊं तो फिलहाल तो ये गाना पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्यादा गाना चाहिए क्योंकि उनके हालात कुछ ऐसे ही चल रहे हैं, वो पल दो पल के ही शायद रह गए इस वर्ल्ड कप में। लेकिन जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कहानी इस वर्ल्ड कप में पल दो पल की रह गई है तो वही है हमारी टीम के एक बॉलर जो हर बैट्समैन की कहानी दो पल के लिए भी चलने नहीं देते हैं, जिनका नाम है मोहम्मद शमी। भाई कल के दिन मेरे सामने इतने शानदार एक स्टैट आते हैं जिसे देख के भाई मेरा दिमाग घूम जाता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि वर्ल्ड कप हिस्ट्री में वो कौन सा बॉलर जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं तो एक है जहीर खान, दूसरे हैं जवागल श्रीनाथ, और इन दोनों ने ही 44 विकेट टोटल झटके हुए हैं वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में। पर जहीर खान ने 44 विकेट जहां 23 इनिंग में लिए हैं तो जवागल श्रीनाथ ने 33 इनिंग में लिए हैं। लेकिन वहीं पे आते हैं फिर मोहम्मद शमी जिन्होंने मात्र 13 इनिंग में भाई 40 विकेट ले लिए हैं, मतलब गजब भाई गजब, इतना शानदार बॉलिंग कोई कैसे करा सकता है, क्या रेट चल रहा है भाई का विकेट लेने का। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है मैं
आप लोगों से यहां पे इस वर्ल्ड कप का सबसे मुश्किल सवाल पूछना चाहूंगा कि आज के दिन जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच खेला जाना है, इसमें पाकिस्तान जीतेगी या फिर बांग्लादेश? हां भाई, इस समय जिस तरीके से, जैसा मैंने कहा ना, पाकिस्तान खेल रही है वो बांग्लादेश जैसा ही खेल रही है, मतलब दोनों टीमें बराबर खराब खेल रही हैं, तो सवाल ये मुश्किल ही हुआ ना कि पाकिस्तान जीतेगी या फिर बांग्लादेश जीतेगी। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, हर मुश्किल सवाल जो कि क्रिकेट से रिलेटेड हो उसका जवाब किसके पास होता है? आकांक्षा के पास। तो भैया जल्दी जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पे ऑलरेडी तुमको देखने को मिल जाएगा कि कौन इस मैच में जीतने वाला है, कौन इस मैच में ज्यादा रन मारने वाला है, कौन इस मैच में ज्यादा विकेट लेने वाला है, टॉस कौन जीतने वाला है, क्या स्कोर पड़ने वाला है, सारी एक्यूरेट प्रेडिक्शन वहां पे आ जाएंगी। तो जल्दी से जाइए प्रेडिक्शन देखिए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, व्हाट्सएप करिए और उसके बाद चाहे टीम बनाइए, उसके बाद चाहे कहीं पे जाके प्रेडिक्शन करिए, मेन काम एक ही है कि प्रेडिक्शन करके पैसा कमाइए। बाकी वीडियो पसंद आए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।